Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. Today we will learn about the story writing. This is the lesson number 4, and we can say this is the third part of the lesson number 4. We are learning the elements of the story. In a previous lesson, we have learned that there are two different types of elements. One were the basic elements of the story, which were setting, character, plot, conflict, and theme. And today we will learn about the advanced elements, which are point of view, tone, style, and mood. Okay. First of all, we learn about the point of view. कि ये point of view है क्या? तो there are basically two different point of views. First one है कि a point of view in a discussion. Argument or non-fiction writing is an opinion, the way you think about a subject. एक तो ये point of view है जो आप discussion में लेते हैं या arguments करते हैं और आप किसी एक topic को आप favor कर रहे होते हैं या oppose कर रहे होते हैं, तो वो आपका एक अपना non-fiction point of view है या आपकी opinion भी हो सकती है. जबकि story writing का जो element में point of view है वो थोड़ा different है. वो क्या है उसको हम देखते हैं कि इन अ स्टोरी द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द नरेटर्स पोजीशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स. यानी जब स्टोरी बयान की जाती है तो वो किस पोजीशन में बयान हो रही है, जो स्टोरी बयान करने वाला है उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो अपने लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ करता है, वो सेकेंड पर्सन यूज़ कर रहा है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया जाता है. तो ये स्टोरी राइटिंग में पॉइंट ऑफ व्यू एक टोटली डिफरेंट है. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? द फर्स्ट पर्सन इज़ व्हेन आई एम टेलिंग द स्टोरी. द कैरेक्टर इज इन द स्टोरी रिलेटिंग हिज आर हर एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली. इसके एक एग्जांपल मैंने लिखी है, फर्स्ट ईयर की बुक में एक लेसन है फ्लाई अवे. राल्फ हेल्फर ने वो अपने एक लाइफ एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है, तो उसमें वो बेसिकली खुद ही स्टोरी भी सुना रहा है और वो स्टोरी का पार्ट है. ही इज़ इनसाइड द स्टोरी और वो अपने लिए प्रोनाउन आई यूज़ करता है. सो सच अ पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब स्टोरी सुनाने वाला या नरेटर जो है वो इनसाइड द स्टोरी है, ही इज़ द पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड यूजिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फॉर हिमसेल्फ. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो कि बहुत रेयर है फिक्शंस में, बहुत कम इस्तेमाल होता है. द स्टोरी इज़ टोल्ड टू यू. दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट कॉमन इन फिक्शन बट इट्स स्टिल गुड टू नो इट इज़ कॉमन इन नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन में तो आपको यू शायद ज़्यादा मिले, लेकिन फिक्शंस में आपको सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बहुत कम मिलेगा जो स्टोरी का हिस्सा हो या एज अ नरेटर वो स्टोरी हमें सुना रहा हो. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड. सो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली दो तरह के हैं, एक लिमिटेड है और एक ओमनिशंट है. जैसे कि लिमिटेड से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो नरेटर है वो लिमिटेड है, उसके पास पावर्स बहुत कम है या उसके पास कैरेक्टर्स को हैंडल करने या उनकी बारे में नॉलेज उतना नहीं है जितना कि एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ओमनिशंट में होता है. द स्टोरी इज़ अबाउट ही और शी. यानी ही भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, शी भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. इट मीन जो स्टोरी सुनाने वाला है, जो नरेटर है, ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, ही इज़ आउट ऑफ द स्टोरी एंड टेलिंग अस अबाउट सम पर्सन. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू इन द फिक्शन. द नरेटर इज़ आउटसाइड ऑफ द स्टोरी एंड रिलेटिंग द एक्सपीरियंसिस ऑफ अ कैरेक्टर. नरेटर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, ही इज़ आउट ऑफ द स्टोरी और वो हमें थर्ड पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उनके लाइक उन कैरेक्टर्स को हमारे लिए, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ओमनिशंट क्या है? द स्टोरी इज़ स्टिल अबाउट ही आर शी बट द नरेटर हैज़ फुल एक्सेस टू द थाट्स एंड एक्सपीरियंसिस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. This helps reader to learn more than each character in the story.
अब इसमें कौन सा डिफरेंस है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड से और ऑमनिशियंट में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है, एक तो फुल एक्सेस है तमाम कैरेक्टर्स पर और उनकी थॉट्स के ऊपर और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और सिचुएशन यहाँ तक होती है कि कैरेक्टर्स को शायद कुछ बातें पता ना हो जो नरेटर को उनके बारे में पता होती है। कैरेक्टर की फीलिंग्स क्या हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके लिए कौन सी उसका उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस में क्या डिसीजन बेहतर हैं क्या नहीं बेहतर, तो ये उस कैरेक्टर के बारे में तमाम चीज़ें जो नरेटर है उसको तो पता होती हैं लेकिन कैरेक्टर अपने बारे में खुद जान नहीं रहा होता। तो जब रीडर ऐसी स्टोरी को पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर्स को जान चुका होता है और वो अपनी एक ओपिनियन बना लेता है कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन कैरेक्टर ख़ुद अपनी उन क्वालिटीज से उन चीज़ों से अवेयर नहीं होता। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द टोन। द ओवरऑल इमोशनल टोन और मीनिंग ऑफ द स्टोरी, इट इज़ हैप्पी, फनी, सैड, डिप्रेस्ड। टोन कैन बी पोर्ट्रेड इन मल्टीपल वेज थ्रू वर्ड एंड ग्रामर चॉइसेस, चॉइस ऑफ थीम, इमेजरी एंड डिस्क्रिप्शन, सिंबलिज्म एंड द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन कॉम्बिनेशन दैट इज़ राइम, रिदम एंड म्यूजिकलिटी। अब टोन क्या है? टोन बेसिकली ओवरऑल पूरी स्टोरी, ये कोई भी राइटिंग आपके पास है, उस स्टोरी का क्या इम्पेक्ट है, क्या वो हैप्पी स्टोरी है, क्या वो फनी है, क्या ओवरऑल स्टोरी सैड है या डिप्रेस है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब करती हैं कि उसकी टोन क्या है। टोन कैन बी पोर्ट्रेड इन मल्टीपल वेज थ्रू वर्ड्स एंड ग्रामर चॉइसेस। तो स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स और ग्रामर चॉइसेस, यानी किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, तो वो सारी हमें टोन ऑफ द स्टोरी बताते हैं। चॉइस ऑफ द थीम, स्टोरी का थीम क्या है, इमेजरी कैसे यूज़ हो रही है, यानी किस कौन से ऐसे फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है जिससे रीडर के माइंड में एक विजन क्रिएट होता है, उसके माइंड में पिक्चर्स बनती हैं स्टोरी के बारे में या कैरेक्टर्स के बारे में या डिफरेंट इवेंट्स के बारे में। साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन कॉम्बिनेशन, और फिर वर्ड्स को ऐसे यूज़ किया जाता है, वर्ड्स के साउंड को, कि स्टोरी के अंदर या उस राइटिंग में रिदम, राइम या म्यूजिकलिटी आ जाती है। राइम, वी नो दैट द सेम साउंड ऑफ द वर्ड्स, एंड पोइट्री में मोस्ट ऑफन ऐसे होता है कि लास्ट वर्ड ऑफ द ईच लाइन आर टू और थ्री लाइन्स हैव द सेम साउंड, दैट इज़ कॉल्ड राइम आर राइमिंग वर्ड्स। तो रिदम क्या है? रिदम बेसिकली स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न्स ऑफ अ राइटिंग इज़ कॉल्ड द रिदम। और इसी तरह इन दोनों के मिलने से उस राइटिंग में या उस पोइट्री में या उस स्टोरी के अंदर एक म्यूजिकलिटी आ जाती है। नेक्स्ट इज द स्टाइल, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर सेट। वर्ड चॉइसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डायलॉग, मेटाफोर, सिमिली, हाइपरबली एंड स्टाइल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द टोन। तो स्टाइल क्या है? बेसिकली द वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डायलॉग, मेटाफोर, सिमिली एंड हाइपरबली, दीज ऑल आर बेसिकली वी कैन से द फिगरेटिव लैंग्वेज और फिगर ऑफ स्पीच। तो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा है राइटर अपनी स्टोरी के अंदर, तो उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि राइटिंग स्टाइल क्या है, स्टोरी का स्टाइल क्या है। मेटाफोर और सिमिली बेसिकली ये वो डिवाइसेस हैं जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं, जबकि हाइपरबली जो है दैट इज़ नॉट फॉर कंपैरिजन बट इट इज़ यूज्ड फॉर एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन, यानी हम कहते हैं ना इंतहाई ज़्यादा मबालगा आराई के लिए अगर आप कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइपरबली कहलाते हैं। स्टाइल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू टोन, और स्टाइल बहुत ज़्यादा उस स्टोरी की टोन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ये उसको उसकी टोन सेट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है वो स्टाइल का है। नेक्स्ट इज़ द मूड। इन लिटरेचर मूड इज़ द फीलिंग क्रिएटेड इन द रीडर। ये बात समझने की है कि मूड जो है इट इज़ रिलेटेड टू द रीडर एंड टोन इज़ रिलेटेड टू द राइटर, कि राइटर का एटीट्यूड क्या है दैट इज़ टोन, और रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टोरी का दैट इज़ मूड। दिस फीलिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द बोथ द टोन एंड एटमोसफेयर ऑफ द स्टोरी।
The author's attitude or approach to the character or situation is the tone. यानी author का क्या attitude है, वो story को कैसे लिख रहा है, वो कौन से word choices उसकी क्या हैं, figurative language कैसे use कर रहा है, और क्या वो उस story की tone उसने कैसी बनाई है, क्या वो happy है, sad है, या funny है. ये तो these things are tone, लेकिन उसको impact क्या पड़ता है reader के ऊपर. एंड टोन ऑफ अ स्टोरी एंड द टोन सेट्स द मूड ऑफ द स्टोरी. अब उस टोन से ही बेसिकली रीडर के अंदर उसका मूड सेट होता है और उसके ऊपर एक इम्पैक्ट जो पड़ता है दैट इज कॉल्ड द मूड. नाउ दिस इज द रिव्यू ऑफ द लेसन. टुडे वी हैव लर्न्ड अबाउट द एडवांस्ड एलिमेंट ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेसिकली देर आर 4 different points of view: first person point of view, second person point of view, third person limited and third person omniscient. First person क्या था कि जब writer जो है वो अपने लिए first person pronoun I या we use करे. और second person क्या था point of view, second person में एक ही pronoun है हमारे पास you, वो इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये बहुत कम use हो रहा है story में. और third person के बारे में पढ़ा कि ही आर शी राइटर जो है ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, बल्कि वो स्टोरी से आउटसाइड रहकर एज अ नरेटर हमें डिफरेंट इवेंट्स जो है वो डिस्क्राइब करता है. और लिमिटेड इसलिए कि वो कैरेक्टर्स की थॉट और सारे कैरेक्टर्स पे भी कंट्रोल नहीं है उसका, और कैरेक्टर्स के इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं है. और जो थर्ड पर्सन ओमनीशेंट है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ही एंड शी. यानी कैरेक्टर जो नरेटर है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, ही इज़ टेलिंग अस द स्टोरी एंड ही इज़ आउट ऑफ द स्टोरी, बट ही हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स. और वो कैरेक्टर्स के बारे में हमें वो कुछ बता देता है जो कैरेक्टर खुद अपने बारे में नहीं जान रहे होते. इस तरह रीडर जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकता है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि टोन ऑफ द स्टोरी, बेसिकली टोन इज़ द एटीट्यूड ऑफ द राइटर, कि वो कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है अपनी स्टोरी में, और क्या उसकी स्टोरी फनी है या उसकी सैड है या डिप्रेस्ड है. और फिर हमने पढ़ा स्टाइल के बारे में. तो स्टाइल इज़ आल्सो क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट वर्ड्स एंड राइमिंग वर्ड्स, रिदम एंड फिगरेटिव लैंग्वेज. और मूड क्या है, बेसिकली मूड इज़ क्रिएटेड बाई टोन. राइटर जो टोन सेट करेगा उसी टोन्स का इफ़ेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा रीडर के ऊपर. तो मूड इज़ रिलेटेड टू द रीडर आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, व्हाट ही फील्स, व्हाट आर हिज इमोशंस. तो ये मूड है. और टोन क्या है, दैट हाउ द राइटर इज़ यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ स्टोरी. नेक्स्ट लेसन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अबाउट द लेटर राइटिंग एंड दिस लेसन विल बी फॉर we can say middle secondary and higher secondary level students. So don't forget to watch that lesson. Or at the end I would like you to subscribe this channel and hit the bell icon for the upcoming lessons. If you have some queries or suggestions, please email me on my email address, and you can also send me messages on live chat on the YouTube. Thank you very much.